सो हे शफलर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर फाइन। द Xiaomi 13 सीरीज इज लॉन्चिंग इन न्यू मार्केट्स टुडे एंड इज गेनिंग अ न्यू मेंबर, द Xiaomi 13 Lite। हमें इसके पहले Xiaomi की 12 सीरीज में Xiaomi 12 Lite देखने को मिला था एंड इस बार हमें Xiaomi 13 Lite में कैमरा एंड परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। द लाइट क्लियरली मार्क्स इट एज अ मिड रेंजर, बट ऑन द प्लस साइड इट कॉस्ट ओनली हाफ एज मच यू पे फॉर Xiaomi 13। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। सो आप देख सकते हो जो बॉक्स है वो Xiaomi का टिपिकल फ्लैगशिप लेवल का बॉक्स है। 13 मेंशन किया गया है, Xiaomi 13 Lite को मेंशन किया गया है एंड अगर आप ऊपर नोटिस करेंगे तो Xiaomi का लोगो है। नॉर्मली ये सिंपल ऑरेंज कलर में रहता है बट यहाँ पे आप गोल्डन कलर में देखने को मिलता है विच रिप्रेजेंट्स इट एज अ फ्लैगशिप सीरीज ऑफ Xiaomi। सो बॉक्स सबसे पहले आपको ढेर सारी किताबें मिलती हैं जिसको पढ़ के आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाता है फोन का केस एंड एक सिम इजेक्टर टूल। देन पेपर लाइक मटेरियल में कवर्ड हमारा फोन आ जाता है। देन वी हैव अ टाइप ए टू टाइप सी केबल एंड अ 67 वॉट ब्रिक, नॉट ब्रिक, इट्स अ चार्जिंग ब्रिक। सो लेट्स टॉक अबाउट डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। तो सबसे पहले आप लोग की नजर जाती है इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा पे, जो आप मुझे अभी कमेंट्स में बताओगे कि ये डिजाइन कहाँ से इंस्पायर्ड है। या द ओवरऑल डिजाइन इज बेस्ड ऑन CV2 बट या देयर आर सम हार्डवेयर डिफरेंसेस एज वेल। Xiaomi 13 Lite वेट्स अबाउट 171 grams, सो या इट्स अ वेरी लाइट वेट फोन एंड द थिकनेस इज अबाउट 7.23 mm। सो अब बात करते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स के। सो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है स्पीकर ग्रिल, देन टाइप सी पोर्ट, देन माइक, देन सिम कार्ड ट्रे एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलता है पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर एंड ऊपर तरफ आपको मिल जाता है IR ब्लास्टर, Xiaomi इज स्पेशल एंड एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन एंड लेफ्ट हैंड साइड प्लेन मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। सो इसमें आपको कर्व डिस्प्ले आती है 6.55 इंच की, 120Hz की एमोलेड डिस्प्ले जिसमें 240Hz का TSR आता है, टच सैंपलिंग रेट, एंड दिस इज अ 12-bit पैनल विच सपोर्ट्स Dolby Vision एंड HDR10+ एज वेल। एंड या इट कैन जनरेट अप टू 68 billion कलर्स विथ 1000 nits ऑफ पीक ब्राइटनेस। सो या योर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस विद दिस फोन इज वेरी गुड एंड या इसमें दोनों ही तरफ फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास साइज की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है विच इज प्रिटी गुड एंड द फ्रेम इज मेड आउट ऑफ मेटल विच इज नाइस एंड द फोन हैज एन IP53 रेटिंग फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डस्ट एंड स्प्लैशेस ऑफ वाटर। एंड अब हम लोग सेंसर्स की बात करें तो यह इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वो भी इन डिस्प्ले वाला, एंड फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है और दोनों ही काफी फास्ट अनलॉक हो जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बैटरी एंड चार्जिंग। द बैटरी इज स्लाइटली इम्प्रूव सिंस द लास्ट ईयर एंड इज ऑलमोस्ट अ मैच फॉर Xiaomi 13 बैटरी। इट कम्स विद 4500 mAh बैटरी विच इज 200 mA अपग्रेडेड फ्रॉम द Xiaomi 12 Lite एंड द सेम 67W वायर चार्जिंग सपोर्ट which can hit 100% in just 40 minutes. And yeah, there is no wireless charging here, but I hope isme hota to better tha. Now performance point. The new model is powered by the Snapdragon 7 Gen 1, jo ki 20% better GPU and 30% better AI performance offer karta hai compared to the 778 which is present in the previous version, the 12 Lite. And Antutu ki baat karein to yeah, isme improvements hain. 5.5 lakh ke approx isme aapko score dekhne ko mil jata hai. However, Xiaomi did not upgrade the RAM and storage and still use LPDDR4X and UFS 2.2 storage type. And yeah, इसमें आपको दो वैट्स देखने को मिल रहे हैं which is 8+128 and 8+256 GB. Let's talk about OS and UI. The phone comes with MIUI 14 out of the box which is based on Android 12 which is not good these days. आपको यहाँ पे Android 13 देखने को मिलना चाहिए था out of the box but yeah, आपको Android 13 का अपडेट आ जाएगा. And yeah, you can play BGMI and COD like games on higher settings smoothly without any frame drops. And there are few things left to mention which is Dolby Atmos supported speaker, so yeah, your multimedia experience is very nice and as well as wireless connectivity which features Wi-Fi 6, Bluetooth version 5.2, NFC support and a dual SIM connectivity with 5G support. Now moving on to the camera, तो इसके rear में आपको triple camera setup देखने को मिलता है which uses the 50MP Sony IMX766 sensor that we seen in the number of premium phones and an 8MP ultra wide sensor and a 2MP macro. And इसमें जो आपको main sensor देखने को मिलता है वो काफी big है, so it captures more light. So, आपको लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर देखने को मिलेगी विच साउंड गुड। देन मूविंग ऑन टू योर सेल्फी, वी हैव ड्यूअल कैमरा सेटअप, बोथ आर ऑफ 32MP विच इज रियली गुड एंड वन सेंसर इज अल्ट्रा वाइड एंड अनदर वन इज नॉर्मल सेंसर। सो इसमें आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है वो कैप्सूल स्टाइल में है विच लुक्स लाइक अ आइलैंड स्टाइल कैमरा होल
So let me know in the comment section what you guys think. Now I would say this is one of the best selfie camera phone you should buy. Friends से आप Full HD at 60fps पे वीडियो शूट कर पाओगे एंड इसमें आपको काफी सारे कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो Xiaomi की फ्लैगशिप सीरीज में आते हैं. So yeah, there is no problem. So guys, यही था Xiaomi 13 Lite और आपको ये फोन कैसा लगा let me know in the comment section. And yeah, अभी हम लोग पास प्राइसिंग नहीं आई है तो उसके हम लोग वेट करते हैं. So वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. So that is it for today guys. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए keep watching and stay safe. जय हिंद.